लिक्विड को एक्सेलरेट कराएं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि जब लिक्विड एक कंटेनर में था यानी स्टैटिक कंडीशन में था, है ना, तो हमने देखा कि जैसे इसमें अगर मैं रो डेंसिटी का एक लिक्विड भर दूं और एच हाइट तक अगर मैं फिल कर दूं, तो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लग रहा था बाबा, पी ए, दैट इज बॉटम मोस्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। फिर ये अभी रेस्ट पर है, अगर मैं इसको एक्सेलरेट कराऊं विद सम एक्सेलरेशन ऊपर, तो हमने यहां देखा था कि जो जी है ना वो जी ना लगे, जी इफेक्टिव आ जाता है ना, बस इतने रिलेशन आ गया था, और जी इफेक्टिव कितना हो जाता है ऊपर जा रहा है तो जी माइनस जी प्लस ए, जी प्लस, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो जी माइनस ए, और अगर फ्री फॉल है तो ए किसके बराबर हो जाएगा जी, यानी हर पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। फिर हमने एक चीज और देखी कि अगर इसी कंटेनर को मैं हॉरिजॉन्टली मूव कराऊं बाबा विद सम एक्सेलरेशन, तो जो फ्री सरफेस था वो ए शेप में अपने आप को अलाइन कर लेता है, पॉइंट नंबर वन। अब यहां पे एक बेसिक चीज और समझो कि देखो जब ये रुका हुआ था ना, जब ये रुका हुआ था तो अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल बनाऊं ऐसे, तो मैं ये कह सकता हूं इन सभी लाइंस पर ए वन टू थ्री फोर फाइव, इस पूरी की पूरी लाइन पे प्रेशर क्या है, सेम है, टू पे सेम है, थ्री पे सेम, फोर पे सेम, फाइव पे सेम। अब इसमें इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसमें कैसे बनानी चाहिए, ऐसे पैरेलल टू द फ्री सरफेस, इनमें ऐसे कैसे रहेगा हर पॉइंट पे प्रेशर सेम। अब वो मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूं तुम्हें, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा कि फ्री सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, उन पैरेलल लाइंस पर प्रेशर हमेशा क्या रहता है सेम, इतना समझ में आया। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल जो अभी कॉन्सेप्ट सब करा रहा हूं ना बच्चों, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको समझने की कोशिश करना, और क्यों इसके पीछे का लॉजिक भी समझना कि क्यों मैं करा रहा हूं। दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे आज तो यू विल रियलाइज कि हां सर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने बोला कि अगर मैं इस वाले कंटेनर को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहा हूं और इसमें लिक्विड रो है, तो ये पहली बात तो ऐसी शेप में आ जाता है, ये परफेक्ट है, ठीक है। मान लेते कि इस डायरेक्शन में यहां से ये थ्री ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब मुझे ना यहां से इस फ्री सरफेस से एच हाइट पर इस पॉइंट पर जो कि ए है, इससे मुझे प्रेशर लिखना आना चाहिए। अब भाई यहां पे तो प्रेशर लिखना मेरे लिए बहुत आसान था, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं बेटा थोड़ा रिप्लाई करना, मैं आपसे पूछूं ये बी पॉइंट पर प्रेशर बताओ यहां से एच वन दूरी पर है, क्या आपके लिए मुश्किल है क्या, एक बार जल्दी बोल दो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हो तो इसमें रो तो रो रहेगा, जी रियलिटी में क्या होती है, जी इफेक्टिव, और एच क्या होती है, एच परपेंडिकुलर फ्रॉम द फ्री सरफेस। देखो यहां से फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ये हर केस में एच, बट अभी ये फॉर्मूला क्यों बोला सर, इससे पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि इससे पहले हम एक्सेलरेट करा नहीं रहे थे, इससे पहले फ्री सरफेस हमेशा हर केस में यही था, अब जब हॉरिजॉन्टली करा रहे वर्टिकल में भी नहीं बोला था ये चीज, क्योंकि वर्टिकल में फ्री सरफेस में कोई वेरिएशन नहीं, वो एज इट इज रहता है, बट हॉरिजॉन्टल में वेरिएशन आता है। अब ये बताओ पहली बात तो, क्या ये एच जो मैं बोल रहा हूं क्या ये परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस है, नहीं, पहली बात तो ये नहीं है सर, तो फिर क्या करें सर, परपेंडिकुलर बनानी तो हमें आती है, तो यहां ना क्यों ना इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं यहां पर, ये एंगल कितना बना 90, लेट अस सपोज ये एच डैश है, क्या है बाबा जी, नहीं आया बच्चों, ओके। अब एक चीज और बोलो, जब कल हम बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने एक छोटा सा प्रूव किया था कि tan थीटा इज इक्वल टू a / g होता है, तो हमने यहां पर एक चीज को और प्रूव किया था कि अगर मैं यहां छोटे सा पार्टिकल मान लूं जिसका मास b है मैं बच्चों, और विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर मैं बात कर रहा हूं जो कि a एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसके पास बताओ कितनी एक्सेलरेशन है, दो, एक g नीचे लग रहा होगा बाबा और एक a इस डायरेक्शन में लग रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सुडो, है ना, सुडो की बात करें तो इनका g इफेक्टिव कितना होगा बेटा, ना तो a होगा ना g होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, ये बात समझ में आ रही है। एक चीज और बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बाबू, 90, कितना बेटा 90, पक्की बात है, तो इनका g इफेक्टिव इस डायरेक्शन में निकल के जाएगा, लेट्स से g इफेक्टिव, जल्दी बोलो g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, पक्की बात है, ये चीज समझ में। अब देखो
अब जो भी g इफेक्टिव m into g, m into g इफेक्टिव क्या होता है फोर्स, और फोर्स हमेशा कैसे लगेगा परपेंडिकुलर टू दी फ्री सरफेस, ये समझ में आना चाहिए परपेंडिकुलर टू दी फ्री सरफेस, तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए इसकी। डन, अब क्या करें सर, कुछ भी नहीं करना, अब आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। मान लो कि ये एंगल अभी भी जो वहां पे थीटा बना हुआ है, ये मान लो ये थीटा है बाबा, ये थीटा तो ये भी, बोलो क्यों, और ये थीटा तो ये कितना बनेगा, अगर इसको आगे लेके जाऊं, इसको आगे एक्सटेंड करूं, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा थीटा, कितना बनेगा थीटा, पक्की बात है। अब मैं इस ट्रायंगल को एक अलग बनाता हूं, इधर ए, इधर जी, और ये जी इफेक्टिव, और ये एंगल थीटा, यहां तक कोई दिक्कत बाबा, पक्की बात, आराम से सोचना, चलिए सब ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर लिखना है बाबू, हमें तो प्रेशर का फॉर्मूला ही याद है, लिखना स्टार्ट करो, चलो प्रेशर एट ए लिखो, चलो प्रेशर एट ए फॉर्मूला बोलो, पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इनटू एच परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस, और यहाँ पे H परपेंडिकुलर कितना बाबा, H डैश, यहाँ पे H परपेंडिकुलर है H डैश, और G इफेक्टिव है हमारे पास अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। भाई इस प्रूफ पे ना थोड़ा सा अच्छे से एम्फसाइज करना, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, पर जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छा इंपैक्टफुल है, तो याद रखना उस चीज को। चलो अब क्या करें सर, कुछ नहीं रखते वैल्यू, तो P0 ही रहेगा, रो की वैल्यू रो रहेगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रहेगा। अब H परपेंडिकुलर बोले तो H डैश और H डैश की वैल्यू यहां से देखो, थोड़ा सा एनालाइज कर, अगर ये थीटा है बाबू, ये 90 है, तो ये कितना बना, अगर ये 90 माइनस थीटा बना तो ये, तो H को H डैश की टर्म्स में, H डैश की टर्म्स को H की टर्म्स में लिखो, H का कौन सा कंपोनेंट है, H cos थीटा, तो मैं H डैश को ये भी लिख सकता हूं बाबू, H cos थीटा, नहीं आया समझ में, तो यहां पे लिख दूं H cos थीटा। अब यहां से देख cos थीटा को इस ट्रायंगल में से, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये थीटा है 90 डिग्री है, तो ये बना बेस, ये बना हाइपोटेन्यूज, ये बना परपेंडिकुलर, बोलो जल्दी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बोलो ना रिजल्ट, अंडर रूट ऑफ a square plus g square into h into cos theta, cos theta base by hypotenuse, base बना g और g effective, g by under root of a square plus g square, तो ये क्या बना, p not plus rho h g, अरे सर ये तो वही result है, मतलब अगर मैं direct यहाँ से यहाँ आऊँ तो भी result वही आ रहा है जो यहाँ से यहाँ तक आने में आ रहा है, नहीं आया समझ में, पक्की बात, देख ना हम तो मान के क्या चल रहे थे, हम तो ये रिजल्ट मान के चल रहे थे ना, जब हम लोगों ने आगे एनालाइज किया, समराइज किया, तो रियलाइज कि एच डैश परपेंडिकुलर ना लेके अगर मैं नॉर्मल वही रोजी एच वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो भी प्रेशर वही आता है। डन, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और देख, इसमें सोच के देख, मैं एच, ये मान लो ये एक्स है, जैसे मैंने एच को, एच डैश को एच की टर्म्स में लिखा, क्या लिखा है, क्या मैं x की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, x की टर्म्स में किसको, h डैश को क्या मैं x की टर्म्स में लिख सकता हूँ, हाँ, x का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x cos 90 माइनस थीटा, तो h डैश को मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, x cos 90 माइनस थीटा, नहीं आया बाबा, अरे बोल भाई, तो सेम इक्वेशन में आप बस जहाँ पे h cos थीटा लिखा उसको क्या लिख दो, x cos 90 minus theta, cos 90 minus theta, sin theta, इसी वाले फॉर्मूले में, तो यानी मैं phi b को क्या लिख सकता हूँ, p not plus rho, इसको मैं पूरे को g effective लिख लूँ, power under root a square plus g square ना लिख के g effective लिख दूँ, g effective, h cos theta बोले तो h perpendicular x की terms में क्या है, x sin theta, अरे नहीं आया रे, sin theta की वैल्यू दोबारा निकाल यहाँ से, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बोल दे क्या है, रो ए, भाई ये ए है तो ए भी हो जाएगा, ए बाय जी इफेक्टिव, ए बाय जी इफेक्टिव, पीवी की वैल्यू देखो बेटा, पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव
x into a by g से फ्री फ्लो। सही वाली बात फिर से बताना, p हां यार फिर से बताना। कुछ नहीं किया हमने, फार्मूला भी यही है। हां बस मैं ये कह रहा हूं, जो h परपेंडिकुलर था h डैश, पहले केस में हमने h का कंपोनेंट किया था h cos थीटा, दूसरे केस में मैं x का कंपोनेंट कर रहा हूं, तो x cos 90 minus theta और cos 90 minus theta sin थीटा, बस वो रखा मैंने। अच्छा है, अब सुनो, तो यहां से pb की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, p0 plus rho x a। सुनो ये वो कल वाला रिजल्ट है जो प्रूव किया था हम लोगों ने, अब यहां से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमें अल्टीमेटली ये पॉइंट पर आना था, चाहे मैं यहां से यहां तक आऊं, ये यहां पे जो a है ये मेरी एक्सेलरेशन है, हां एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, चाहे मैं यहां से यहां तक आऊं, भले ही मैं परपेंडिकुलर को काउंट ना करूं, रो जी एच डायरेक्ट फार्मूला लगाऊं, अगर परपेंडिकुलर वाला लगाना चाहते हो तो क्या लिखो, रो जी इफेक्टिव एच डैश या एच परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस, या मैं यहां से यहां तक आऊं, तो तीनों केसेस में पीबी का प्रेशर क्या रहा है, सेम क्या रहा है, क्या रहा है। नाउ आपको क्या याद रखना है, अगर आपका कंटेनर राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट आ रहा है, हो रहा है, और आप लेफ्ट डायरेक्शन में चलो अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में प्रेशर बढ़ता चला जाता है, कितने फैक्टर से, रो एक्स ए, कितने फैक्टर से, कितने फैक्टर से, अगर आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चल रहे हो तो आपका प्रेशर कम होता चला जाता है, कितने फैक्टर से, रो एक्स ए। सिंपल सी बात बता मुझे, मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा तेरे लिए, इधर देख, याद करो आपको उस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक चीज कराई थी मैंने, कि मुझे यहां से यहां तक आना था, तो एक चीज ही बताई थी कि वहां से स्टार्ट करो जहां का प्रेशर आपको पता हो, अगर बढ़ रहे हो मतलब नीचे डेप्थ में आ रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, और ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, रो जी एच, रो जी एच। अब सिंपल सी बात है, अब अगर मेरे पास बाबू ऐसा ऐसी कंडीशन आ जाए, ध्यान से सुना बेटा, ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये ठीक है, ये रुका भी हुआ है, तो हमें पता है यहां से यहां तक आना हमारे लिए कोई मुश्किल, जैसे मैं बताऊं, मान लो मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, रो डेंसिटी है बेटा इसकी और h इसकी हाइट है, मेरे से बोला जाए a पॉइंट से लेके b पॉइंट कौन सा पॉइंट है, लिक्विड के जैसे ये कंटेनर मान लो ना, एक हवा वाला कांटेक्ट होगा और एक अंदर वाला होगा, अंदर वाले सरफेस में मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है, तो दिस इज b पॉइंट, अगर नॉर्मली बोला जाए कि ये रेस्ट पर है, यहां से यहां तक प्रेशर लिखना आना चाहिए, बोलो कैसे, यहां का प्रेशर बोलो p0, यहां से यहां तक आ जाओ प्लस, बढ़े रो जी एच, कहां अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल में आ गया, तो हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल लेवल में इज इक्वल टू पीबी नहीं आया, अरे बोल भाई, लेकिन तो अगर यही कंटेनर चलने लग जाए, यही कंटेनर चलने लग जाए, तो ये मान लो h हाइट, h लेंथ मान लेते हो, अभी भी यहां से यहां तक लिखना आना चाहिए, जल्दी बोल बेटी, p0 प्लस यहां से आए रो जी एच, यहां से यहां चल रहे, यहां से यहां चल रहे, नहीं सुनो यहां से यहां चलो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चल रहे हो, तो प्लस या माइनस, माइनस माइनस प्लस या माइनस, कितना रो एक्स ए, रो तो रो रहेगा, एक्स की वैल्यू एच हो जाएगी और ए एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम हो जाएगा, नहीं आए, कहां पहुंचे बाबू पीबी, तो ये प्रेशर आ गया मेरे पास, अभी भी लिखने का तरीका वही है, जब हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं था तो p0 plus rho g h, तो जब एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर भी रिमेंस है, तो यहां से यहां तक प्रेशर निकाल लो, फिर जो इस प्रेशर इसका होगा वही प्रेशर इसका होगा, लेकिन आप चल रहे हैं तो वो, तो अब ये देखो कि आप कहां से कहां आ रहे हो, क्या आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जा रहे हो तो प्रेशर घट जाएगा, और अपोजिट जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं आया समझ में, पक्की बात, पहले बता ये एनालाइज करना है तुझे, मेरा कांसेप्ट क्या था आपको, कि मुझे किसी भी पॉइंट का प्रेशर लिखना आना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, मेरा जो फ्री सरफेस है उससे एच दे दिया जाए, उसके एच परपेंडिकुलर दे दिया जाए, या हॉरिजॉन्टल में एक्स दे दिया जाए, तीनों केसेस में मुझे यहां से यहां तक आना चाहिए, यहां से यहां तक पहुंचना आना चाहिए, और यहां से यहां तक आना चाहिए, नहीं आया समझ में, बस दिस इज माय कंसर्न, अगर ये चीज समझ में आ गई तो इस पर उतारो, और फिर दो तीन न्यूमेरिकल करा दो जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई, अब इसको ना PA कर लेना
ठीक है ना, दिस इज पी ए, हाँ बेसिकली हम निकाल तो पी कर रहे थे ना। चलो आप दो तीन मेरिकल्स देखते हैं, हमारे पास ना एक एल शेप की ट्यूब है बच्चों, डन, और हमने इसमें फ्लूइड फ्लो किया हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, डन, ऐसे मान लो ये हाइट एच और ये हाइट टू एच, ठीक, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसको ऐसी एक्सेलेरेशन से दौड़ाया गया है कि पानी ने इस लिम, इसको लिम्स बोलते हैं ना, लिम, एल आई एम बी, इस लिम या आर्म में से पानी बाहर ना निकले, गॉट इट, पानी बाहर ना निकले उतनी एक्सेलेरेशन से इसको दौड़ाया गया है, ए से बोला गया राइट राइट डाउन द प्रेशर, राइट डाउन द प्रेशर एट बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एट ए, क्या बोला गया कि इस ए के प्रेशर की टर्म्स में इस बी के प्रेशर कैलकुलेट करो, कैसे करो बोलो, एक्सेलरेटेड है ध्यान रखना, पहले तो बी बी, अब पहली बार तो अगर हम बात करें सर ये ऐसे जाएगा, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी शेप आ जाएगी इसकी, हाँ। मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं तो ये कह रहा हूँ क्या हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना आना पड़ेगा, आता है बोलो कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ आगे अब यहाँ से यहाँ तक जाना आता है, बोलो माइनस टू एच इन टू ए, कहाँ पहुंचे बी पे, तो प्रेशर है बी, तो आ गया आंसर, इधर माइनस क्यों हुआ है वो अलोंग ही तो जा रहा है, सॉरी, तो बी बी की वैल्यू बोलो बाबा, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2g की टर्म्स में आ जाए थोड़ा आंसर और अच्छा हो जाएगा, सिस्टमेटिक आ जाएगा, तो ए की वैल्यू को 2 ही रख दो, तो देखो pb कितना है बाबू, p0 प्लस रो जी एच माइनस 4 रो जी एच, एक वैल्यू को 2g रख दो ना, बोल दिया कि ए जो एक्सेलरेशन है वो 2 इनटू मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अच्छा पे ऐसा समझ, तो 2g तो हो गया वो, तो रख दो 3g है ना, इस हमारे थोड़ा सा एरर भी बना दिया, तो आंसर कितना आया, pb की वैल्यू p0 माइनस रो जी एच, पहली बात तो ये, अभी इसको लिखने का एक और तरीका है वो भी समझ, देख कैसे कि सर एक बार बताओ, अभी जैसे हमने प्रूव किया था कि ए पॉइंट पे ऐसे आओ प्रेशर विल रिमेन हर पॉइंट पर, तो सर सिंपल यहां से यहां तक आ जाओ, इसको मान लो सी, मान लो सी, तो बोलो बी सी, बोलो प्लस रो जी एच, यहां तो कोई दिक्कत नो, यहां से बोल, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में चलूं पी सी, तो यहां से चलो, यहां से PC PB प्लस रो टू जी एच, रो टू इंटू टू जी इंटू एच, नहीं आया एच की वैल्यू भी 2 है बाबा, मतलब यहाँ जी ना रखो ए रखो फिर, है ना, टू रो मतलब रो एक्स ही होता है ना, तो रो एक्स और ए, ए की वैल्यू को बाद में 2g रख देना बोले, अब जो कि सेम पॉइंट है, तो चाहे आप ऐसे आओ चाहे आप ऐसे आओ प्रेशर विल रिमेन, प्रेशर विल रिमेन, नहीं आया तेरे समझ में, अभी क्या बोल रहा, यहाँ पे देखना एक्सेलरेशन के अपोजिट चल रहे हो ना, हाँ बी से चल रहे हो, हाँ तो बी से अपोजिट चल रहे हो, प्लस तो प्लस होगा ना कितना, रो एक्स से, हाँ तो रो की वैल्यू रो है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2h, और ए कितना है 20, 2 * g, तो यहां पे रख दो, दोनों को कंपेयर करो, p0 प्लस रो जी एच मस्ट बी इक्वल टू pb प्लस रो 2h * 2a, हमें तो ये निकालना है 2g, हां 2g कर दो बाबू, लो हमें तो pb निकालना है, तो pb की वैल्यू देखो P0 plus rho g h minus 4 rho g h, देखा भी आंसर वही आया, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहीं से भी करो, जैसे भी तुझे हिट कर जाए क्वेश्चन वैसे लगा ले, मेरा तो गोल्डन रूल क्या होता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर पता है वहां से स्टार्ट करो, और घटते बढ़ते उस पॉइंट पर आ जाओ, वेरी वेरी क्या,
हमें जब पी भी लिया था तो वो बी टू सी लिया था तो मैं ऐसे क्यों लिया ऐसे क्यों लिया तो यहाँ से यहाँ तक आने का तरीका होता है ना ऐसे तो आई ना हाँ ठीक है ना और ऐसे तो नहीं आ सकता ना तुम सिंपल जब तुझे रास्ता दिखाई दे रहा तो ऐसे ही ना नहीं आया चलो एक और क्वेश्चन करें अरे अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना प्लीज हाँ एक और एग्जाम्पल भाई मेरे पास ना एक यू शेप क्यूब है वाला ठीक है अच्छा ये दोनों लिम्स है ना बाबू दोनों लिम्स का एरिया क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम है ठीक है दोनों लिम्स का एरिया क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम ये यहां से ये वाली हाइट है h बाई टू ये हाइट है बाबू h मतलब ब्रेथ जो है और इसमें h बाई टू हाइट तक ही हमने एक फ्लूइड फिल किया होगा यहां से ठीक है जिसकी डेंसिटी कितनी मानी है रो ये यहां तक h और जो ये बाकी रिमेनिंग हाइट है ये भी h बाई टू है ठीक है डन बोला गया इसको कितनी एक्सेलेरेशन से दौड़ाया जाए इसको कितनी एक्सेलेरेशन से दौड़ाया जाए कि जो ये फ्लूइड है ना ये किसी भी लिम्स में से बाहर ना आए पहली बात तो कौन से लिम्स में से बाहर आने की संभावना है ऐसे दौड़ाएंगे तो पानी की टेंडेंसी कहां जाएगी इस तरफ जाने समझ में तो वो कह रहा है कि इस लिम में से ये कितनी एक्सेलेरेशन होनी चाहिए कि उतनी एक्सेलेरेशन से दौड़ाओ पानी इसमें से बाहर छलक नहीं सकता That is what we have to calculate. कि find a in such a way कि पानी जो है वो does not comes out from the limb. इस limb में से पानी बाहर ना आए. वो acceleration निकालो. लगाओ दिमाग. अब logic समझो पहले तो. देखो अगर पानी से बाहर नहीं जा मतलब limb से बाहर नहीं जा तो क्या maximum possibility है? कि भाई इस ये तो पक्की बात है इधर जा रहे हैं. तो पानी इधर चढ़ेगा. कितना ज़्यादा चढ़ सकता है? भाई यहाँ तक जा सकता है सर इसके ऊपर चला गया तो पानी बाहर निकलेगा ही निकलेगा तो यानी ये मैक्सिमम h by 2 ऊपर हो सकता है और ये मैक्सिमम h by 2 नीचे आ सकता है तो अगली कंडीशन अगर हम बात करें कि जब मैंने इसको एक्सेलेरेट कराया अभी कितनी एक्सेलेरेशन है मुझे नहीं पता बट इतना समझ में आ गया कि पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी सर देखो ये h by 2 है ये भी h by 2 है तो ये टोटल h है तो वो भी टोटल h है तो ये h by 2 इतना बनेगा यानी होगा क्या अगले स्टेप में कि पानी यहां तक आ सकता है और ये पानी ऐसे जा सकता है जो कि एक्सेलेरेटेड फ्रेम है तो कुछ ऐसा व्यू बनेगा पास समझ में आ रहा है श्योर चल मतलब अगर हम अच्छे से बनाए तो ये बिल्कुल इसको लास्ट में पॉइंट को टच करते हुए जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है h by 2 तक अब क्या करें व्हाट टू डू नाउ करना कुछ भी नहीं है सर बड़ा सिंपल सा फंडा है यहां से लिखना स्टार्ट करो यहां तक आ जाओ आ सकते हैं yes, चलो यहाँ से यहाँ तक बोलो सर 3h by 2 height है अच्छा प्रेशर ये PA P0 plus rho 3h by 2 आगे बोलो P0 plus rho g 3h by 2 done अभी आप ऐसे चल रहे हो तो माइनस rho g a rho a हाँ rho a g rho a into x x की वैल्यू h यहाँ आगे अब यहाँ से ऊपर चलोगे कितना h by 2 कितना h by 2 तो बोलो माइनस ऊपर जा रहे हो घटेगा प्रेशर माइनस रो g h by 2 h by 2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस p0 मतलब माइनस ही हो जाएगा ना p0 कमी हो जाएगा माइनस p0 दिस इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू p0 आ जाएगा ना सो सॉरी is equals to हाँ यहाँ पर आ गया ना आपको ये माइनस करो is equals to p नॉट हाँ इक्वेशन बनी देखो p नॉट कैंसिल अब यहाँ से सुनना रो 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 h h h खत्म अब देख यहाँ पे क्या बना 3g/2 और यहाँ पे बना g/2 g 3g/2 माइनस g/2 फिर g/2 नहीं g सिर्फ g बोलो जस्ट सिर्फ g जी बचा पक्का हाँ हाँ तो ये जी बचा माइनस ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो जी इक्वल टू जी की वैल्यू ए इक्वल टू एक तो तरीका ये था एक तरीका कल भी पढ़ाया था
ध्यान से देख, जब फ्री सरफेस ऐसा हो जाएगा तो ये देख, ये वाला ये थीटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, हो सकता है सर, ये कितना है h, और ये भी कितना है h, और tan थीटा वो 45 a by h, बाद में अगर तू ऐसे भी कर सकता है तो बहुत आसान है तेरे लिए। अब इसी में एक और वेरिएशन सुन, बोला गया इसको कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दौड़ाऊं कि जो ये वाला पानी है ना इसके हाफ तक आ जाए, मारी कटिंग में कि इसकी एक्सेलरेशन, पहली बात तो ए की वैल्यू जी के बराबर रखेंगे तो ये वाला स्टेज बन जाएगा। अब इसमें और बोला गया इसको ए को और कितना बढ़ाओ, 2G, 3G, 4G, 5G, 7G, 10G, 12G, कितना, सच दैट जो ये वाला पानी है ए यहां तक आ जाए एच बाई टू तक, तो अल्टीमेटली कुछ तो ऊपर जाएगा, ये H ऊपर चला गया, बचा कितना H by 2 वाला, ये बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसने अभी क्या बोला, क्वेश्चन समझ गए कि इसको कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन दूं कि क्या हो जाए पानी H by 2 वाला है, बेस के H by 2 चला गया। आप सुन देख क्या होगा, सिचुएशन समझ ले बस आराम से, पूरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आएगा H by 2 तक जाना है, दूसरे जो बाहर पानी फ्लो आउट होगा उसको खत्म, उसका क्या लेना देना हमें, हमें तो उसका मतलब है ना जो हमारा फ्लूइड पे पानी और प्रेशर लगाएगा, दैट्स इट। तो मान लो ये ए है, यहां तक आना है बाबू, ये h / 2 तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बन जाएगा, हां बाबू ये कुछ ऐसा बना, यस सर बना, चल अब क्या करें, ये बोल कितना बना सर h / 2 और ये कितना बना h / 2 ये कितना बना h / 2 क्या यहां से यहां तक आता है मैंने लगाना, यस इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी, चलो ए से भी आ जाओ PA plus यहाँ से आए P equal to equal नहीं यहाँ से यहाँ चलो ना, हाँ तो PA equal to PB लिखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ हो ना PA plus हाँ plus VH by 2 into rho into G, यहाँ से यहाँ चलो minus rho into A into S by 2 चलो PA बराबर है क्योंकि दोनों फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ऐसे मत देख रो और कैंसिल है, चलो दोनों फ्री सरफेस पे बाबू दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। आ जाओ अब देखो h/2 रो रो 3g माइनस a इक्वल्स टू 0 a की वैल्यू नहीं तो दूसरा तरीका थीटा निकालो, तो h थीटा बनाइए, यस h थीटा बोलो तो 3h परपेंडिकुलर बाय बाय 3h बाय 2 बाय h बाय 2 इज इक्वल टू a बाय g, 2 ने 2 को h ने h को हमारा तो a की वैल्यू 3g क्या ये एक्सेलरेट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस करना, आज घर जाके सबसे पहले तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स को लगाना खुद से, फिर अपनी एक्सेलरोमीटर में से जो भी बुक आपके पास है उसमें से दो चार क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, चलिए जय हिंद।